एक बात याद रख, तुम्हारे पास जिंदगी की सारी आसाइशें होंगी लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। ब्रो, मूवीज तो बहुत तरीके के होते हैं, पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मूवीज के बारे में बताऊंगा वो एक से बढ़कर एक है। इन मूवीज में आपको लव स्टोरी, कॉमेडी, एक्शन, मिस्ट्री, थ्रिलर के साथ एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों के दिल को छू जाएगा। इनमें से बहुत सारे मूवीज बिल्कुल ही नए हैं, तो अगर आप इन मूवीज के बारे में और ज्यादा जानना या इन मूवीज को देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। लेट्स स्टार्ट। नंबर 8, इच्छा था बहाना मोलू नीलू पोरू 2021 में रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सुशांत, अभिनव गौतम और मीनाक्षी चौधरी जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो अरुण जो कि एक आर्किटेक्ट होता है वो अपने कॉलीग के साथ प्यार में पड़ जाता है, पर मूवी में और उसके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है जब वो एक नो पार्किंग में अपना बाइक खड़ा करता है। उसके बाद जो जो होता है मूवी में देख लेना। अच्छा लव स्टोरी और थ्रिलिंग स्टोरी कॉन्सेप्ट के साथ ये मूवी आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा। 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb से 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 7, चिरू भाई ना दूरा माई ना 2021 में रिलीज हुई एक प्योर रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको बनर्जी, थिरुनिका और मनी चंदन जैसे और भी कई एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं अपने हीरो और हीरोइन के ऊपर ये मूवी है। उन दोनों का लव स्टोरी और उनके लव स्टोरी में अनबन अलग सा स्टोरी कॉन्सेप्ट जो मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ इस मूवी को देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। 9.4 आउट ऑफ 10 IMDb से मिला है, तो आप अंदाजा लगा लो मूवी कितना कमाल का होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देख लेना। 2014 में रिलीज हुई रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो गुरु जो की एक गैंगस्टर होता है और वो प्यार में पड़ने के बाद अपने आप को बदलने की सोचता है और बदल भी देता है, पर जब उसकी बीवी का मर्डर हो जाता है तो उसके बाद वो कैसे रिवेंज लेने निकल पड़ता है और उसे कैसे पता चलता है कि बुरा कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। भाई कमाल का लव स्टोरी एक्शन ड्रामा मूवी है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा इस मूवी को देखो। 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb से 75% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5, पोन मनी के भल 2021 में रिलीज हुई रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी। स्टार कास्ट में आपको प्रभु देवा, निवेदा पृथ्वीराज जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो जब एक जॉज का मतलब डेड बॉडी एक रेसिडेंसी एरिया के बाहर मिलता है तब कैसे रिटायर्ड SCP अपना जो हीरो है वो कैसे पुलिस को मदद करता है उस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए और अपराधी को पकड़ने के लिए, और उस अपराध के पीछे क्या क्या मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर है उसे सॉल्व करने के लिए आप मूवी में देख लेना। कमाल का मूवी है ऐसा तो नहीं बोलूंगा, पर एंटरटेनिंग मूवी है, एक टाइम के लिए देख के एंजॉय कर सकते हैं। 4.3 आउट ऑफ 10 IMDb से 60% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4, केदारनाथ 2018 में रिलीज हुई एक प्योर रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो मंसूर जो कि एक मुस्लिम परिवार से होता है वो एक हिंदू और पंडित घर की लड़की मुक्कू से प्यार करने लगता है। उन दोनों का लव स्टोरी सही चल रहा होता है, पर बीच में वो ऐसे ही धर्म बीच में आता है और मूवी का आखिरी सीन आपको रुला देगा। क्या मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, हाईली रिकमेंड करता हूँ इस मूवी को देखो, कैसे प्रकृति उन दोनों को अलग कर देता है आप मूवी में देख लेना। 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb से 94% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देख लेना। नंबर 3, टैक्सी वाला 2018 में रिलीज हुई है एक रोमांटिक हॉरर थ्रिलर ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको विजय देवरकोंडा, प्रियंका ज्वालाकर, मलविका नायर जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे।
पाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो अपना हीरो जो कि अपना खुद का कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो कैब खरीदता है, वो भी सेकंड हैंड। पर बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि वो कैब भूतिया है। तो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या रहता है, वो भूत के साथ कैसे मिलके काम करता है या और कुछ, अब मूवी में देख लेना। थोड़ा बहुत अच्छा खासा लव स्टोरी है और ये मूवी आपको एंटरटेन करेगा। मैं लिख के देता हूँ 6.9 out of 10 IMDb से 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2 पैंथम 2018 में रिलीज, एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको गोपी चंद, मेहरिन, पीरजादा, संपत राज जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाए। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो अपना हीरो विक्रांत जो की एक हाईटेक चोर होता है, घोटाले कर रहे पॉलिटिशियन यानी कि राजनेताओं के काला धन को लूट के गरीबों में बांटता है। पर जब होम मिनिस्टर के घर पे चोरी होता है, वो कैसे उस पैसों में ट्रैकर लगा के उस चोर को पकड़ना चाहता है, उसके लिए क्या क्या करता है, लाइक एक नया ऑफिसर अपॉइंट करता है, आप मूवी में देख लेना। एंटरटेनिंग मूवी, आप लोगों को पसंद आएगा। 6.1 out of 10 IMDb से 93% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1 इश्क 2021 में रिलीज, एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको प्रिया प्रकाश बैरियर, तेजस आजाद जैसे और भी कई एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो हीरो और हीरोइन जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो तो दो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा हरास्ड होने के बाद हीरो और हीरोइन क्या करते हैं, आप मूवी में देख लेना। ऐसे तो इस मूवी का स्टोरी में और ज्यादा बता सकता हूँ, पर बताऊंगा नहीं, आप मूवी में देखो, एंटरटेन हो गई। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, पर ये मूवी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। तो इसलिए कहता हूँ, अगर हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो वेट किसका करना, यूट्यूब में फ्री में तेलुगु में अवेलेबल है। चाहो तो आप लोग जाके देख सकते हो। 5.4 out of 10 IMDb से 80